हे गाइस वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स तो गाइस मैं आप लोगों के लिए आ गए एक मैच कवर करने जो कि खेला जाएगा ऑस्ट्रेलियन लीग फुटबॉल का न्यू कैसेस्टल जेट्स वार्सिस पर्थ ग्लोरी के बीच पूरे दो घंटे बाद तो so, इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप के बाद मिलेगी गाइज़ मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम इलेवन टीम्स तो इस चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने में प्रॉब्लम ना आए और यह है गाइज प्रीवियस मैच के स्क्रीन जिसमें कि अल्ट्रा विनिंग हुई है येस्टर्डे नाइट यूरोपियन यूरोपियन टी और एक हमारा नदर लीग थी जिसका था फुटबॉल का मैच उसमें भी डेंजरस विनिंग हुई है और होप आप लोग भी जीते होंगे फुल्ली डेंजरस टीम थी यार तो चलते दोस्तों आगे बात करूं अगर मैं इस मैच की तो न्यू कैस्टल तो इसमें दोनों टीम स्ट्रॉन्ग है सो तो इस फेवर का चक्कर मत रखना कि किसके फेवर में हो वो आप सोचो कि आप किसके फेवर में हो क्योंकि क्या है कि अगर आप फैंटेसी खेल रहे हो तो इस मैच के अंदर फ़ेवर फेवर मत करना क्योंकि जहां आपने चार डिफेंडर एक साइड के लिए और अगर गोल दोनों तरफ से हो गए तो आपको काफ़ी बड़ा लॉस झेलना पड़ सकता है सो so, मैं आपको यही राय दूंगा कि इसमें मिड फील्डिंग पर जोर देना आज के मैच में तो मैं आगे से बात करूँ गोल कीपर की ऑलरेडी की को लेने वाला हूँ टी विलाफ़ी की गैर हाजिरी में एल रेडी ने जो मुकाम अपना पाया है ना डेंजरस है मतलब लिटरली ऐसी गोल कीपिंग मैंने सच्ची नहीं देखी है जो एल रेडी कर रहा है और प्रीवियस मैच के अंदर इस बंदे ने सिडनी एफसी के खिलाफ नाइन गोल सेव किए थे तो और एक गोल कंसीडेड मतलब नाइन्टी परसेंट गोल सेविंग रेशियो कौन दे सकता है यार नब्बे तो आगे से बात करूँ डिफेंडर की तो यहाँ से लूँगा नेक्स्ट प्लेयर इसका नाम है कॉर्नर और टूल काफी लोगों ने पिछले मैच के अंदर इस प्लेयर को ले रखा था अपनी टीम में मतलब कैप्टन वैप्टन तो देखो रखेगा नहीं कोई क्योंकि लोगों को पता है इतना तो माइंड होता है कि डिफेंडिंग ऑप्शन में अगर आप डिफेंडर को कैप्टन रख रहे हो और अगर क्लीन शीट का चांस नहीं है तो लॉस जाएगा तो इसलिए डिफेंडिंग ऑप्शन में अपना गलती मत करना आज के मैच में और आगे से बात करूँ डी लैचमैन की तो लैचमैन को तो बिल्कुल मत छोड़ना बिकॉज ही इज इन द फॉर्म और इसने प्रीवियस मैच के अंदर न्यू कैस्टल जेट्स को ऑलरेडी एक बार गोल किया था तो मुझे लगता नहीं है कि आज के मैच में ये फ्लॉप जाएगा ये अच्छा चल सकता है आज के मैच के अंदर और आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की यहाँ से ओटा को तो ऑटा भी यहाँ पे आपको बढ़िया प्लेयर मिलता है तेज तरार खेलने वाला प्लेयर है ये भी बट ये न्यू कैसल जेट्स के खिलाफ पिछले डिफेंडिंग नहीं कर पाया था ढंग की सिर्फ छत्तीस पासिस कंप्लीट किए थे लेकिन कोई बात नहीं गाइज हर चीज़ देखो हर बार देखो हर बार कोई नहीं चलता तो मुझे लगता है आज की के मैच के अंदर उम्मीद लगाए बैठो कि कुछ अच्छा करेगा और एंड टॉपर्स चैनली की बात करूँ तो टॉपर्स चैनली तो मींस हर टीम के आगे चलना जानता है क्योंकि देखो इन इस टीम ने प्रीवियस मैच के अंदर इस प्लेयर ने इस टीम को ऑलरेडी असिस्ट की थी और असिस्ट देखने वाली थी और आगे से बात करूँगा इस मिड की एंडी ऑगस्टिनो की गैर हाजिरी के अंदर जो लेफ़्ट हैंड साइड मिडफील्डर रहेगा टीम का वो है एन किल कैनी तो किल कैनी का यहाँ पे काफ़ी बड़ा चांस उठता है कि ये बंदा आज क्या करता है क्योंकि अगर आपकी मिडफील्डिंग अच्छी नहीं होगी तो टीम नहीं जीत सकता

गटे और आर निरंजैन पिछले मैच के अंदर एस उगरकोविक की गैर हाजिरी में जो प्लेयर आया वो था आर नजराइन जो जिसमें ये प्लेयर हो गया था फ्लॉप फ्लॉप इन द सेंस कुछ करा नहीं था वैसे देखो कोई छिहत्तर मिनट खेला था बंदे का ड्रीम टीम में नाम नहीं आया नाम भी आया लेकिन वो अलग बात है लेकिन हम बात कर रहे हैं कि फैंटेसी फेंट, के हिसाब से सही खेला है लेकिन अगर मैं मैच के ड्यूरिंग देखूँ तो गोल वगैरह असिस्ट वगैरह कोई कोशिश नहीं की तो मुझे लगता है कि आज इनको एसुगर कोविक की वाप, वापसी करवा देनी चाहिए और अगर बाई चांस वापसी नहीं करता तो हम नरन जैन को लेंगे तो अभी मैंने तीनों ही ले रखे हैं इनमें से कोई दो खेलेंगे मैं पहले ही बता दूँ और ए ए थुरगटे को तो ज़रूर लूँगा कुछ ना करके भी ये बंदा ड्रीम टीम में नाम लाता है ये चीज़ मेरे को बहुत भाती है और आगे से बात करूँ वी यूवेल की तो यहाँ से आपको वी यूवेल प्लेयर मिलता है एक्चुअली इस प्लेयर ने अपनी फॉर्म बनाने के लिए बहुत जान लगाई है क्योंकि पिछले मैच के अंदर ये प्लेयर वेस्टर्न डब्ल्यू के जो मैच हो रहे थे पिछले मैच के अंदर सबकी टीम में था और मेरी मेरा वाइस कैप्टन था पिछले मैच में जब ये फ्लॉप गया लेकिन काफ़ी लोगों ने एक प्लेयर पे जोर दिया था आर ओ डोवन आर ओ डोवन पर काफी लोगों ने जोर दिया था तो पिछले मैच में डब्ल्यू का एक मेन प्लेयर है एल वेल्स तो वो वो इन पर भारी पड़ गया था तो मुझे लगता है कि अगर आपको आज डोवन लेना है तो ले सकते हो लेकिन तीन स्ट्राइकर का थोड़ा आज थोड़ा घबराहट सी है इसलिए थोड़ा देख के करना पी फॉनली को लूंगा फॉनली ने भी न्यू जेट्स के खिलाफ प्रीवियस मैच में की थी मतलब दोनों टीम्स एक दूसरे पर भारी पड़ेंगी लेकिन जीत किसी एक को ही मिलनी है बट गोल दोनों तरफ से हो सकते हैं और आगे से बात करूं, कैप्टन कैप्टन की, कैप्टन भी कैप्टन एंड एंड वाइस वाइस की अगर इन में से कोई नहीं खेला, देन यू अगली वीडियो में